पूरा महाराष्ट्र देख रहा है किसके घर में बैठकर ये साजिश रची गई। हमारे महाराष्ट्र के सेकुलर नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब को फंसाने की जो साजिश, गंदी राजनीति जहाँ से शुरू हो गई, वो किसका घर था, कहाँ मीटिंग हुई, पूरा महाराष्ट्र लाइव देख रहा है टीवी पर। और जो राजन किने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें कहा कि मैं गद्दार नहीं हूँ, जो लोग बोल रहे हैं वही गद्दार है। अरे हमारी ईमानदारी आव्हाड साहब नहीं, पूरे महाराष्ट्र ने देखा। जब आव्हाड साहब को वर्तक नगर चौकी में रखे, जब भी हम उपस्थित थे, मुमरा पुलिस स्टेशन में रखे जब भी, अरे तेरा घर तो बाजू में था, ठीक है तू बोलता मैं नासिक में था, मेरी औरत बाहर थी। तो जब आव्हाड साहब पे 354 गंदा आरोप लगा, और किसने लगाया, जो राजन किने के साथ घूमती है, जिसको राजन किने लेके घूमता है वो औरत ने लगाया है, और राजन किने के कहने पर ही लगाया, क्योंकि छठ पूजा के दिन आप सबने सुना होगा रिदा रशीद ने साफ कहा था कि मैं राजन दादा के कहने पर चलती हूँ और राजन दादा का कहना मेरे लिए रहता है, राजन दादा का मार्गदर्शन मेरे को रहता है। तो इस चीज़ में भी राजन दादा का ही मार्गदर्शन उसको था, पूरा देश देख रहा है लाइव मीडिया। अगर राजन किने गद्दार नहीं रहते तो ये प्रोग्राम जब आव्हाड साहब के ऊपर 354 हुआ, पूरी एनसीबी पार्टी रात भर से वहाँ पे मौजूद थी पुलिस स्टेशन में। राजन किने के घर के 3 नगर से होने के बाद भी एक भी आदमी उधर नहीं था। तो इसका मतलब यही है कि तुम ऐसे गंदे राजनीति वालों को सपोर्ट कर रहे हो और तुम ही वो सब करवा रहे हो। उन्होंने इनकार किया है पर उनका हाथ नहीं था, तो एनसीपी के नगर सेवक थे वो, उन्होंने 3-3 नगर सेवक थे, आए क्यों नहीं आए वहाँ पे मुमरा पुलिस स्टेशन में, जबकि पूरी एनसीपी पार्टी आव्हाड साहब के साथ देने के लिए वहाँ पे थी, तो उनका घर तो बाजू में था। अच्छा, उन्होंने ये गए 5-6 महीने में साबित ही कर चुके हैं कि जो लेडीज़ बीजेपी से बिलोंग करती है, और अगर ये एनसीपी पार्टी के हैं तो इन्होंने एनसीपी पार्टी के मैंने लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, जबकि वो बीजेपी के लेडीज़ को लेकर के पूरा एरिया घूम रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। यहाँ तक कि वो लोग खुद बीजेपी की लेडीज़ जो कोई काम कर रही है उसके ओपनिंग में जा रहे हैं, उसके फंक्शन में जा रहे हैं। हाँ, तो ये उन्होंने पहले से ही साबित करते हुए आए हुए हैं। और साथ में जब इन्होंने ही खुद इनके बाइट में कहा है कि 12:10 को FIR हुई है, हाँ, और 1 बजे मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ आए हैं। तो अगर ये पार्टी से लॉयल थे तो ये बोल सकते थे कि भाई है ना, आप मेरे आमदार को, मेरे स्थानिक आमदार के ऊपर, मेरे एनसीपी के आमदार के ऊपर कंप्लेंट करके आई हो, आप यहाँ नहीं आ सकती हो। वो उन्होंने खुद ही विरोध करना चाहिए था उसका, जबकि वो खुद उनको घर पर लेके बैठे, हाँ, मुख्यमंत्री से मिलवाया, हाँ, सब चीज़ किए। तो ये 12:10 को FIR हुई और 1 बजे ये मुख्यमंत्री से मिलने के लिए अपने घर में अलाउड करते हैं। मुख्यमंत्री जी उनके घर पर आए, इससे हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, उनके रिलेशन है पहले के, उनके कहने के हिसाब से तो वो आए। लेकिन जिस पार्टी के जिस औरत ने इनके ऊपर इनके पार्टी के एक जाने माने स्टेट के 4 नंबर पे चलने वाले नेता के ऊपर, और इन्हीं के पार्टी के नेता के ऊपर और स्थानीय आमदार के ऊपर 12:10 पे इनके कहने के हिसाब से बाइट में जिसने FIR की, उस औरत को ये अपने घर में अलाउड करते हैं रात को 1 बजे, हाँ, ये तो गलत बात है। जबकि इतने बड़े नेता, इनके नेता को, इनके इन्होंने FIR करने वाले लेडीज़ को ये एंटरटेन करते हैं और VIP कोटे के अंदर VIP लोगों के साथ में बिठाते हैं, हाँ, तो इसको क्या समझा जाए फिर।